Hello friends, I am Ajay Sharma, Krishnakant Kaushik. Today I am going to tell you how alien exists in this universe. Dear friends, it is entirely different theory. It is an entirely new concept for you. If you want to see this video and understand it, you will have to translate it Hindi to English because I am telling in Hindi. Namaskar dosto, main aapka dost अजय शर्मा, आज आपको बताऊंगा कि एलियंस होने की संभावना कितनी अधिक है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब तक किसी चीज़ का आविष्कार नहीं हो जाता, वह सबके सामने नहीं आ जाती, तब तक वह विचार बड़ा ही असंभव सा लगता है, तथा उस नई चीज़ की थ्योरी देने वाले इनोवेटर या इन्वेंटर को लोग पागल समझने और बोलने भी लगते हैं। एक उदाहरण देता हूँ। अब से लगभग 160 साल पहले, जब पूरी दुनिया लैंप और लालटन की रोशनी में काम किया करती थी, तब एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने मोबाइल फोन्स, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड जैसी चीज़ों का आविष्कार करने की अपनी योग्यता बताई थी तथा आर्थिक मदद मांगी थी। तब सभी ने टेस्ला को बड़बोला और पागल बोलना शुरू कर दिया। लेकिन आज वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं और निश्चित ही मिस्टर टेस्ला के ज्ञान को चुराया गया और अलग अलग व्यक्तियों ने इन सभी आविष्कारों को अपने नाम से पेटेंट करा लिया। हालांकि ये सभी आविष्कार उनके मरने के 100 साल बाद तक भी नहीं किए जा सके, उनमें से कुछ हो गए थे। दोस्तों, एक बात और जो आज भी असंभव सी लगती है, टेस्ला ने एक ऐसी टॉवर को बना के तैयार कर लिया था जो बिना किसी केबल और वायर के एक बहुत बड़े क्षेत्र में बिजली सप्लाई कर सकती थी। परंतु टेस्ला का यह विचार कि वो दुनिया के सभी लोगों को ऐसी कुछ टॉवर्स बनाकर बिजली बिल्कुल मुफ्त में दिया करेंगे, इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आया, क्योंकि वो सभी फाइनेंसर इस टेक्निक को अपने लिए फ़ायदेमंद साबित करना चाहते थे। वो इस टेक्निक से बहुत पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यह प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले ही रुकवा दिया और टेस्ला भी इसे अपने दम पर पूरा ना कर सकें इसकी भी संभावना बना दी। और एक ऐसा क्रांतिकारी आविष्कार जो आज के वैज्ञानिक भी पूरा नहीं कर पा रहे, दुनिया के सामने आने से रह गया। ज़रा सोचिए, आपके घर में बिजली तो हो पर बाहर कहीं भी कोई खंभा, कोई तार और कोई झंझट ना हो, तो ऐसे थे हमारे वैज्ञानिक टेस्ला। आज उनकी योग्यता का सब लोहा मानते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, एलियंस क्यों हैं, कैसे हैं, कौन हैं और कहाँ हैं। मित्रों, आज लगभग हर देश टाइम मशीन पर काम कर रहा है और अब से नहीं, पिछले लगभग 200 सालों से दुनिया के अलग अलग वैज्ञानिक बताते आए हैं कि टाइम मशीन बनाना संभव है। मतलब फिजिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग यह एक बड़ी संभव सी बात है। रशिया, जर्मनी, अमेरिका इत्यादि ऐसी मशीन की संभावना को अच्छे से जानते हैं और वहाँ की सरकारें तक इस पर लगातार काम कर रही हैं। एक बात और, मिस्टर निकोला टेस्ला जो एलियंस पर यकीन करते थे, और मेरे अनुसार ही वॉज ब्लेसिड बाय द एलियंस, वह भी टाइम मशीन पर काम कर रहे थे। आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि निकट भविष्य में कोई ना कोई कहीं ना कहीं टाइम मशीन बना ही लेगा। बस उन लोगों के लिए ही तो मैंने यह वीडियो बनाया है। दोस्तों, जिन्हें मिस्टीरियस चीज़ें अच्छी लगती हैं, रहस्यमय चीज़ों को जानना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे वीडियोज़ देखें। दोस्तों, आज से 300-400 साल पहले के मनुष्य, योद्धा इत्यादि 7 से 8 फुट लंबे होते थे, हम जानते हैं। उनके सर की अपेक्षा उनके कंधे और छाती बहुत चौड़ी होती थी। जैसे हमारे महाराणा प्रताप जी को ही ले लीजिए ना, जो लगभग 200 किलोग्राम लोहा अपने शरीर पर संभाले रहते थे। और थोड़ा और पहले चले जाइए, 5000 साल पहले महाभारत युग के अवशेषों से पता चलता है कि तब का मानव आज के मानवों से कई गुना विशाल होता था। उनके हथियारों को आज का बड़ा पहलवान भी हिला नहीं पाता और हजारों साल पहले के अवशेष दुनिया में हर जगह मिलते हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, इजिप्ट में तो उस समय हिंदुओं के ही पूर्वज मिले हैं। एक बात जिस पर विश्वास बहुत मुश्किल से होता है, अमेरिका की कोलोराडो रिवर के किनारे एक ऐसी विशाल गुफा है जहाँ एक हिंदू योगी की बड़ी मूर्ति जो कि पद्मासन लगाकर बैठी हुई है तथा उस कक्ष में 8-8 फुट लंबी तलवारें, 20-25 फुट लंबे भाले इत्यादि रखे हुए हैं। अब यदि भविष्य के मानव का आकार प्रकार इसी अनुपात में कम होता चला जाए तो केवल अगले 100 वर्षों में ही हमारी संतानें 5 फुट तक की रह जाएंगी। बस शरीर के अनुपात में सर बड़ा हो जाएगा, आंखें बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि मानव के जीन्स में लगातार रिवोल्यूशन होते जा रहे हैं, लगातार क्रांति होती जा रही है, क्योंकि हम अब शरीर से कम और दिमाग से ज़्यादा काम कर रहे हैं, हाथों से कम और अंगुलियों से ज़्यादा काम कर रहे हैं, कान और नाक से कम तथा आँखों से ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसीलिए इसी अनुपात में अंगों का विकास या ह्रास होता चला जाएगा, तभी अचानक टाइम मशीन का आविष्कार भी हो चुकेगा।
और हमारी अगली पीढ़ियां, मतलब भविष्य का मानव, जो कि देखने में बिल्कुल ऐसा होगा जैसा मैंने क्रमिक विकास के जरिए होना बताया है, वह उस यंत्र मतलब टाइम मशीन के जरिए अपने पास्ट में, जो कि हमारा वर्तमान है या भूतकाल है, जैसा कि युगों युगों से एलियंस इस पृथ्वी पर आते रहे हैं, वो आएंगे और हमारे पूर्वजों से भी मिलने जाएंगे और हमसे भी मिलने आ रहे हैं और आते रहेंगे। वो सदियों पहले का टाइम फीड करके भी आते थे, मतलब पहुँचे हैं और हमारे पूर्वजों को हर प्रकार का आधुनिक ज्ञान देते रहे हैं। निष्कर्ष यह है कि भविष्य का मानव एक दिन टाइम मशीन अवश्य बनाएगा और तीनों टाइम जोन में आसानी से आएगा, जिन्हें विश्वास है आएगा और जाएगा। मानव जाति को आधुनिक ज्ञान देता रहेगा, देता रहा है। पिरामिड्स, एंशियंट मिस्टीरियस टेम्पल्स, इन्वेंशंस, नॉलेज, स्किल्स, ये सब भविष्य के मानव मतलब एलियंस मतलब गांधर्व मतलब यक्ष, ऐसे ही कितने ही नामों से उनको अलग अलग युगों में जाना गया है, वो आते थे, आते हैं, आते रहेंगे और अपना ज्ञान हमें बांटते रहेंगे। दोस्तों, टाइम के तीनों आवर्तों में घूमने का मतलब टाइम को रोक देना होता है, मतलब मृत्यु को रोक देना होता है, मतलब एलियंस इमॉर्टल हैं, वो मरेंगे नहीं, मतलब वो गॉड जैसे हैं। थैंक यू सो मच। और वो हार्मफुल नहीं हैं, अगर वो हार्मफुल होते तो इतनी शक्ति है उनके पास कि अब तक हमें ख़त्म कर चुके होते। थैंक यू दोस्तों, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, दे आर फ्रेंड्स। If you like my video, please like it, subscribe it and share it.